भाई मुझे लग रहा है मैं तो जा रहा हूँ भाई घर को। घर को चलते हैं भाई। ये देखिए बद्दू दोस्तों, हम अपना टेंट वहां पर छोड़ के आ गए। दोस्तों हम निकल गए हैं अपने सिलबट्टा ढूंढने के लिए इस गधेरे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए कैंपिंग ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आए हैं अपने रिवर साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हम कैंपिंग करने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। और काफी डर भी है यहाँ पे, काफी डर है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो पानी है तो यहाँ पे मतलब की जानवरों का भी पानी की प्यास लगेगी, तो पानी पीने जरूर आएंगे यहाँ आना है शाम को। जंगली जानवरों ने भी यहाँ पे जरूर आने हैं और हमारे जो नेचुरल कैंपिंग है उसमें हम भी काफी डरे हुए हैं कि यहाँ पे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे कि आपने अभी हमारे ब्लॉग देखे हम टेंट के साथ आए हुए हैं, तो आज रिवर साइड में काफी डर भी है, काफी एक्साइटेड भी है हम भी, और काफी एक्साइटेड भी है। और हम कर रहे हैं आज पुरानी ओल्ड कैंपिंग जैसा हम पहले करते थे। हाँ, जो आपने हमारी पहले ओल्ड कैंपिंग देखी आपको काफी पसंद आई है, आपने काफी प्यार दिया उसमें, तो हमने क्यों नहीं, हमने सोचा कि एक बार फिर से हम वही कैंपिंग करें। बने रहो ब्लॉग में, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। ये बिच्छू भी यहाँ पे, ये बिच्छू घास लगी, घास फाइनली दोस्तों हमारा टेंट पिच हो चुका है, आप देख सकते हो। और आज हम करने वाले हैं शेल्टर कैंपिंग, जिसमें हमने हमें पीछे दीवार मिली है काफी सारे के लिए, इस साइड से हमने पत्थर सारे लगा दिए, इन दोनों साइड से रहेगा आज ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज है आज कैंपिंग में, काफी मशक्कत के बाद टेंट पिच हुआ है हमारा, काफी मतलब टाइम लग चुका है इसमें, क्योंकि टाइम भी 6:30 से ऊपर हो गए और अंधेरा भी हो गया है। और काफी मजा आ रहा है भाई इस कैंप में, बहुत मजा आ रहा है। आज शेल्टर कैंपिंग मतलब काफी टाइम के बाद हम कर रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी ना हम भी फटाफट पहले चाय पीते हैं, थक चुके हैं यार, काफी थक चुके हैं, तो फटाफट से चाय पीते हैं।
पानी पी लूंगा थोड़ा, पहले पानी प्यास लग गया तब से पानी। इस गदेरे में ना पानी की आवाज इतनी है कि मतलब कोई और जंगली जानवर अगर नजदीक में भी आता है आवाज लेके लेते हुए ना, वो भी पता नहीं लगने वाला, उसकी भी आवाज नहीं सुना देने वाली है। तो दोस्तों चाय पी के हमें लकड़ियां इधर ही मिल गई, जो हमने सारी कलेक्ट करके इतनी लकड़ियां हमने इकट्ठी कर दी, कुछ जला रहे हैं हम। और अभी हमें आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी, जो कि काफी चटपटी बनाएंगे हम, काफी मजेदार होने वाली है चटपटी, एकदम मजा आएगा खाने में, मजा आने वाला है। और साथ में हमें चाहिए सिलबट्टा जिसमें हम चटनी को ना पीस सके, और वो हम लाए नहीं है घर से क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़ा पत्थर होते हैं, काफी भारी होते हैं, तो उसको लाने में काफी दिक्कत होती है। वो हमें सेलेक्ट करना है इसी जंगल से, इसी जंगल से, इसी मतलब गधेरों से, इसी रिवर से सेलेक्ट करना है। और वो पत्थर भी हमें ढूंढना है कड़क वाला, कड़क जिसमें मिट्टी उट्टी ना निकले, दोनों ही ढूंढने हो, सिलबट्टा भी और पीसने वाला, पीसने वाला भी। दोस्तों यहाँ पर ना काफी डर भी है, जो कि हर वक्त कान बज रहे हैं, काफी ऐसी टाइप की आवाज आ रही है, काफी डरावना माहौल है। और मतलब ऐसे चारों तरफ से छेड़ियां है ना इसमें, बंद है बिल्कुल, और पानी की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है, तो उसकी वजह से कुछ सामने की आवाज सुनाई दे रही है, और छेड़ियां ज्यादा है तो उससे ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और हर वक्त कान ऐसे बज रहे की कुछ है यहाँ, पहले ना अभी फटाफट पहले सिलबट्टा लेके आते हैं जंगल से, चलो फिर चलो और फिर करते हैं काम आगे को। दोस्तों हम निकल गए हैं अपने सिलबट्टा ढूंढने के लिए इस गधेरे में, देखते हैं आगे मिलता है नहीं मिलता, तो बने रहो हमारे साथ और चलो हमारे साथ आ जाओ। काफी काफी है यार, सुनसान एरिया, काफी डरावना एरिया है, सारी झेड़ियां झेड़ियां हैं आप देख सकते हैं। भाई इधर तो मुझे एक पत्थर नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है इसमें फिर नीचे जाना पड़ेगा हमको, बिल्कुल चले नीचे को, चलो फिर हाँ चलो। ये पत्थर कैसा रहेगा, पत्थर भी देखो, ये पत्थर ये ठीक है ना, ये सही लग रहा है यार, बड़ा भी है यार ये, देखो इसको उठा के देखो, अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है हमारी मेहनत काम आ जाएगी यहीं पर ही। ओ भाई भाई ये तो बहुत हैवी है, जाएगा कैसे, कंधे में रखना पड़ेगा ये, और रास्ता इतना खराब है हमारे, थोड़ी सी दिक्कत है इसमें कि मिट्टी वाला भी लग रहा है, तो आगे चलते हैं, मुझे लग रहा है हम इस साइड में जाना पड़ेगा, इस साइड में इधर को नहीं है जगह, इस साइड में निकले क्या, चलो लेकिन एडवेंचर है काफी खतरनाक वाला, ये तो बहुत तकड़ा है, आओ फिर चलो इसमें देखते हैं, कोशिश तो करनी पड़ेगी जाने के लिए यहाँ से। पता लगे बाघ के मुंह पे आ गए हम, आगे काफी खतरनाक जगह है, काफी डरावनी जगह है भाई, मुझे तो काफी डर लग रही है इधर, वो तो क्योंकि सारी झेड़ियां हैं जहां पर हम आए। भाई जल्दी जल्दी चलो यार, भाई तो डरावना लग रहा है मेरे को अभी, भाई इधर कुछ नहीं है, ऐसे चलते हैं उधर ही देख लेते हैं यार अपने आसपास में, चलो भी चलो, क्योंकि मिट्टी वाले मिल जाएगा तो चल जाएगा, हाँ हाँ वही करते हैं, हाँ चलो दिक्कत नहीं, मिट्टी से तो पैदा हुए, मिट्टी में रहेंगे, मिलना ही है कल को, बस 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 चलो चलो फिर चलो। ये देखिए दोस्तों ये मछली, ये गड़ी, ये देखिए भद्दू, ओए भाई साहब, भाई टेंट कितना घूम रहा हमारा, इतनी तेज हवा चल रही है, एकदम से ऐसा हुआ क्या आया, पत्थर तो ये भी सही लग रहा है, हाँ ये भी सही है। ये लो ये हो गया बढ़िया, दोस्तों हमारा तंदूरी टमाटर हो चुका है रेडी, भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ है, हाँ भाई मुझे भी लगा अभी इधर महसूस हो रहा है कि इस तरफ जैसे कुछ है,
नहीं यहाँ पर आग चाहिए भाई, आग तो खैर जरूरी है, यहाँ पर आग ज्यादा ही चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है ना भाई, कुछ है इधर, कुछ जैसे मतलब हॉन्टेड प्लेस है ना वैसे टाइप में लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कभी इधर से कभी इधर से कभी चारों तरफ से, बिल्कुल भाई डरावना माहौल लग रहा है मुझे, आहट जैसी लग, आहट सी लग रही है मतलब कि कुछ है। दोस्तों ये पहली रोटी ऐसी बन चुकी है क्योंकि जल गई ना ये थोड़ा, दोस्तों इस साइड से और इस साइड से काफी तेज तेज आवाज आ रही है, मैं यहाँ पे कैमरा लगाने आ गया था तो मुझे एकदम से तेज आवाज सुनाई दी क्योंकि मैंने कैमरे के माइक निकाला हुआ था, तो इसलिए आपको सुनाई नहीं होगी, आपको पानी की आवाज आ रही होगी बस। तो दोस्तों अब करते हैं खाना खाने की तैयारी क्योंकि ना समय बताऊं आपको 10 बज चुका है और चटनी ओए होए मजा आने वाला है, अब पता नहीं इसमें हो कैसी रही है मिट्टी का, इतने ही तो पहले टेस्ट करते हैं खाना, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। कल से आवाज क्या आ रही है भयंकर यहाँ पे ना, ये हॉन्टेड प्लेस है पूरा, इस तरफ से इस तरफ चारों तरफ से जो है काफी तेज आवाज आ रही है, आपको तो सुनाई नहीं देगी, हमें सुनाई दे रही जो मतलब ऐसी आवाज जो आती है ना कल कल वैसी टाइम में आवाज आ रही है, इसलिए हमने आग बहुत तेज जला दी अभी। मजा आ रहा भाई, हल्की सी दोस्तों मिट्टी लग रही है यार, क्योंकि वो पत्थर नहीं मिला हमको ना, ठीक है फिर भी लेकिन मजा आ गया। तो दोस्तों खाना खा के हम भी थोड़ा पानी को देखने की पानी में कितनी शीतलता होती है ना, कितना विनर्म होता है पानी में, शांत चल रहा है बिल्कुल अपना इसी पानी में, रात को देर भी उठते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा था, मुझे अब शूटिंग कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कहीं पानी मतलब ऐसे खिंचाओ अपने तरफ से खींच ना ले, ऐसा भी लग रहा था मतलब मुझे महसूस ऐसा महसूस हो रहा है वो, काफी डरावना हो रहा है यहाँ पे सीन भाई, मुझे तो काफी डर लग रहा है। दोस्तों हमें यहाँ पर आग तो प्रॉपर चाहिए ही चाहिए तभी हमारी यहाँ पर नाइट कट सकती है, वरना नहीं कट सकती, बहुत मुश्किल है जिस हिसाब से यहाँ पर हमें लग रहा है कि, और हमारी लकड़ियां भी कम होगी पूरी नाइट, मुझे लग रहा है चलेंगी। हाँ भाई खत्म होने वाली है लकड़ियां भी, लेकिन खाना खाने में दोस्तों इतना मजा आना, चटनी में अल्टीमेट टेस्ट था उसका, बहुत बढ़िया टेस्ट था, लेकिन और मिर्ची बहुत ज्यादा तेज है, मैंने तो फिर चीनी खाई है तब जाके मिर्ची खत्म हुई है मेरे तो। दोस्तों आप सोते हैं क्योंकि नींद तो यहाँ पर आनी मुश्किल है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमारे रात काटनी भी आज बहुत टफ लग रही मेरे को, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से आवाजें आ रही हैं बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, मतलब इधर से भी और इधर से भी आवाजें, कभी कभी ऐसे सुनाई जा रही है कि कोई बुला रहा हो जो हमारे कानों में गूंज रही है यहाँ पे, मतलब कैसे बता सकते हैं जैसे जो कोई बंदा वहां पे रह जाएगा तो वो फील करेगा ना। हाँ भाई तो उस तरीके से मतलब हमें फील हो रहा हो कि काफी कोई मतलब ऐसे आवाजें मार रहा है और बुला रहा है। टाइम कितना हो गया भाई? 12:15 हो गया, तब से सोए नहीं हम दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ माहौल लग रहा है नहीं लग रहा है कि हम रात पर सर्वाइवल कर पाएंगे यहाँ पर। मुझे तो ऐसी चीजों में मुझे काफी ज्यादा डर लगता है दोस्तों, भाई साहब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो चलो अभी अभी सोते हैं भाई, देखो क्या होता है अभी। ये भाई बहुत आवाजें हैं यार, सुनिए भी आवाज। दोस्तों आप सुन लो नहीं सुन रहे कि यहाँ पे ना काफी डरावना माहौल है, मुझे लग रहा है हम भूतिया जंगल में आ गए भाई, तो कोई आसपास ही है भाई कुछ। क्या कर रहे हैं भाई आप, सोए नहीं सोए? भाई मुझे लग रहा है मैं तो जा रहा हूँ भाई घर को, सोना फोना यहाँ पे नहीं, मैं नहीं सो पाऊंगा भाई, इधर को चलेगा जरा देखने चले एक बार फिर। चलो चलो भाई वो पकड़ो मोछाए पकड़ो और जूते पहन लो भाई, मुझे मैं नहीं रह पाऊंगा ऐसी जगह पे, तो मुझे भी डर लग रहा है। अभी सुनिए तुमने आवाज कैसे आई थी भाई? अभी दोस्तों रियल में सच में मतलब बहुत ज्यादा ऐसी आवाजें आ रही हैं कि हम यहाँ पर रह नहीं सकते, और खासकर मैं तो नहीं रह पाऊंगा क्योंकि भाई रह भी सकते लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा भाई, मैं अकेला क्यों रहूंगा यहाँ पे, मैं तो और भी दूसरे से मुझे बहुत डर लगता है। दोस्तों यहाँ पे इतनी जबरदस्त ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है, मैं आपको दिखा दूँ कि रात के 11:55 हो चुका है, जहाँ पर कि रात को 12 बजे करीब जो आवाजें आती हैं वो हकीकत में है, तो भाई जल्दी चलो भाई से, चल इधर को इधर को देख के इधर को हलचल, इस साइड में आवाज है भाई, भाई देख कुछ हलचल,
भाई आगे बढ़े क्या? नहीं नहीं भाई आगे नहीं जाना। तो दोस्तों मतलब जो आवाज थी ना यहाँ पे उसी की थी, जो होते हैं ना भूत प्रेत जो हम कहते हैं उसी टाइप की आवाज आ रही थी। तो भाई चलते हैं, चलो टेंट पे चल यार, घर को चलते हैं भाई। दोस्तों हमने यहाँ पे सारे आग बुझा दिया, सामान सामान सारा हमारा बिखरा हुआ अपना आप रहता है। ऐसी सुबह तक अगर यहाँ पर रहा तो तभी आएंगे, नहीं तो अभी यहाँ पर रहना बिल्कुल खतरों से खाली नहीं है। कभी कुछ आवाजें आ रही है, मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा। चलो भाई जल्दी सामान सामान सुबह उठा लेंगे भाई। चलो लाठी है तुम्हारे पे? हाँ लाठी है मेरे, ये आग जली हुई। चलो आग आग को जरा खेल आग से भाई, यहाँ बहुत रिस्की है भाई, कर जगह पर आगे हम आज बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है। जब तक टेंट अपना आप रहेगा कल उठाएंगे टेंट को। दोस्तों हम अपना टेंट वहां पर छोड़ के आ गए और आपको बता दूंगी हम अपने घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मुझे लग रहा है कि इस रिवर साइड में हम अपनी कैंपिंग कर पाएंगे। तो सुबह आके आपको दिखाएंगे यहाँ पे, फटाफट भी निकलेंगे हम घर की तरफ। भाई चल फटाफट चल भाई, सच में हालत खराब होगी आज तो, आग जो है सारा है। हाँ भाई, तो दोस्तों आप सभी लोगों को हम दोनों भाइयों की तरफ से सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों हम अपनी कैंपिंग में पहुंच गए हैं जहाँ पर हम कल रात को यहाँ से भाग गए थे, और वहां पर हम सुबह आ गए हैं। यहाँ पे अपना टेंट वेंट हम उठाना है यहाँ से। तो दोस्तों जब हम यहाँ से हम कल रात को घर को भागे तो माँ कल घर पे जाके डर गई थी। माँ ने बोला तुम कहाँ से इतनी जल्दी कैसे आ गए भाग के, घर क्या हुआ क्या हुआ। अगर वो माँ माँ होती डर जाती है, माँ मम्मी को डर लग गई। तो हमने बताया यहाँ की स्टोरी, ऐसी बात हुई, हमने उसको बताया कि यार हम रिवर साइड में गए थे और ऐसी सी बात इस जगह पर गए थे। तो माँ ने बोला कि उसमें ऊपर शमशान है ऊपर, और तुम गलत जगह पे चले गए। हाँ। और वहां पे तो होता ही है, मतलब कुछ रात के टाइम पे कुछ ना कुछ होता है। तो हमें भी जो हलचल हमने आपको पहले से बताया, जो हमें लग रहा था कि महसूस हो रहा था पहले से कि यहाँ पे है भाई कुछ। हाँ। है तो रात को जिस टाइम पे हम सो रहे थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया, इस तरफ से आ रही थी। तो इसलिए हमें फटाफट से भाई साहब उस समय फटाफट से हमें और कुछ नहीं सोचा क्योंकि काफी डर गए थे हम, तो हमें वहां से निकलना पड़ा। और मम्मी ने ये बोला कि तुम अच्छा किया तुम वहां से आगे, तुमने जाना ही था उस साइड में, तुम गए क्यों साइड में, हमें पता भी नहीं था कि यहां पे था क्योंकि बहुत पहले गए। माँ बता रही थी कि बहुत पहले की बात है यहाँ पे जो ऐसा होता था। हो सकता है कि दोस्तों रात को यार आते होंगे आते तो है यार, हमें फील हुआ तो भाई आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पानी रात तो उन्हीं की ठहरी, पानी की जिस हिसाब से आवाज आया था इसी पानी के साथ उनकी कल 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 की आवाज थी ना, उससे हम बहुत डर गए थे। तो दोस्तों अभी हम अपनी कैंपिंग में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर अभी चाय पीते हैं और उसके अपना टेंट उठा के फिर निकलेंगे घर की तरफ। तो दोस्तों हमारी चाय हो गई रेडी, चाय पीते हैं, ठंडा भी काफी हो रहा है, मजा आ गया भाई सुबह चाय में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और आपको कैसी लगी हमारी वीडियो आपको जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज हम ऐसे ब्लॉग आपको देते रहेंगे, अगर जैसे आज इस ब्लॉग में हमारे साथ रहा गधेरे साइड में कुछ अनहोनी जो हुई थी कल रात को, ऐसे ना हो तो हम आपको अच्छा ब्लॉग देंगे। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको नए कैंपिंग ब्लॉग में, तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय 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 दोस्तों।